हम लाते हैं टॉप न्यूज, आपके फेवरेट टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ यूट्यूब पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। सब्सक्राइब कीजिए और हम आपको लिए चलेंगे आपकी फेवरेट वीडियो की तरफ। मंशियार, पूरी दुनिया में इसे एक लानत दिया जाता है। मंशियार का इस्तेमाल करने वाले जब इसकी दलदल में फंस जाते हैं तो फिर दस्ते ही चले जाते हैं। इस लालत ने ना जाने कितने घरों के चिराग बुझाए हैं। तश्वीश की बात तो यह है, अब तेजी से हमारे तालीमी इदारों में भी फैलती नजर आ रही है, जिसका इस्तेमाल शुरू में तो फैशन के तौर पर किया जाता है, लेकिन आगे जाके ये चीज एक नौजवान की पूरी जिंदगी तबाह कर देती है। हमने अपने इर्द गिर्द देखे हैं। इन्हीं वाकयात को देखते हुए हमने एक दिन खुद इस लत में पड़े हुए शख्स की तरह जिंदगी गुजारी। हम ये जानना चाहते थे कि जो शख्स इसकी लत में पड़ता है, इसकी जिंदगी आखिर क्या होती है। कसम खुदा की, इस रोज मुझे जैसे मैं लोगों में नहीं बल्कि जानवरों से भी बदतर हूँ। तो तुम्हारा क्या जा रहा है लाके देने भाई जाने तो पैसे तो दे रहा हूँ मैं तुमको भाई, पैसे नहीं दे मुझे यार। पैसे तो दे रहा हूँ भाई, भाई तेरे पैसे मुझे नहीं चाहिए। कोई मुझे अपने करीब खड़ा नहीं होने दे रहा था। मैं सिर्फ और सिर्फ एक तमाशा था। रोड पर गिरे हुए इंसान को तो लोग जरूर पूछते हैं, लेकिन मंशियात की लत में पड़े हुए शख्स को पूछना भी गवारा नहीं करता। यह होती है मंशियात की लत में पड़े हुए शख्स की जिंदगी। इसके कारोबार करने वाले लोग रातों रात अमीर हो जाते हैं। मंशियात की स्मगलिंग बॉर्डर के जरिए की जाती है। हमारे पाकिस्तान में मंशियात को लाया जाता है और फिर यह मंशियात नौजवानों की रगों में डाली जाती है। टीम टारगेट के ऊपर भी मंशियात फरोशों के खिलाफ जंग की है। मंशियात के खिलाफ हमारी जंग पहले दिन से जारी है। मंशियात फरोशों की जानिब से हमें कई बार संगीन नताइज की धमकियां मिली, हम पे हमले किए गए, लेकिन हमारे कदम इस जंग में पीछे नहीं हटे। इसी हवाले से एक इंफॉर्मेशन हमें मौसूल हुई सिंध के शहर सखर से। हमें इंफॉर्मेशन मिली कि सखर में मंशियात का काम उरूज पर चल रहा है। इसी सिलसिले में हमने डीजी एक्साइज एंड टैक्स डिपार्टमेंट शुएब सिद्दीकी साहब से मुलाकात की, जो खुद मंशियात के खिलाफ काफी काम कर रहे थे। उन्होंने फौरी तौर पर इस केस के ऊपर एक्शन लिया। अब टीम टारगेट का काफिला कराची से सखर की जानिब बढ़ चुका था। बहुत से सवाल हमारे दिमाग में, आखिर इन मंशियात फरोशों का कोई दीन ईमान क्यों नहीं होता, क्यों नौजवान नस्ल के साथ ऐसी जाती की जाती है। हम सखर जा पहुंचे। वहां हमारी मुलाकात डायरेक्टर एक्साइज एंड टैक्सेशन नारकोटिक्स डिपार्टमेंट डॉक्टर मुनीर अहमद जरदारी से हुई। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हाँ, तो ये इंफॉर्मेशन बिल्कुल सही है, करेक्ट है। फोन पे रब्ता हमारा चल रहा है, देखें अभी वो कितना माल ला रहा है, वो हाथ आ जाएगा तो फिर उसके बाद फिर इंशाल्लाह हम असल जो देने वाला है, जो डीलर है, उस तक पहुंच पाएंगे। सही है, विश यू गुड लक, आप अपनी कार्रवाई। ठीक है सर।
एक्साइज डिपार्टमेंट काफ़ी एक्टिव है, काफ़ी कार्रवाइयाँ करता है मंशात के हवाले से, लेकर के हवाले से। और ऐसी एक और इन्फॉर्मेशन है कि जिसमें अभी एक बंदे से जो है वो डिस्कशन चल रही है और वो ड्रग्स लेकर आ रहा है, लेकिन ज़ाहिर जो लेकर आएगा वो अभी छोटी क्वान्टिटी में लाएगा, उसको पकड़ने के बाद जो है वो आगे उम्मीद है। सखर पहुँच कर हमारी मुलाकात डायरेक्टर एक्साइज एंड टैक्सेशन नारकोटिक्स मुनीर अहमद जरदार, हमने उनके साथ मिलकर एक प्लान तरतीब दिया। हमारे नुमाइंदा खास की डील एक मंशात के व्यापारी से चल रही थी, लेकिन हमें यह जानना था कि आया ये हमारा मेन टारगेट है या फिर एक मोहरा। टीम टारगेट एक्साइज पुलिस के साथ इस प्लान को तरतीब देने में मसरूफ अमल हो गई। सबसे ज़्यादा सखर में जो है वो एक्टिव है, पूरे सिंध में अगर तमाम जगहों पे देखा जाए तो सखर में सबसे ज़्यादा कार्रवाइयाँ होती हैं। अभी हमारा एक इन्फॉर्मर मौजूद है जिसकी एक मंशात फरोज से जो है बात चल रही है। उससे तुम्हारी अभी क्या बात क्या हुई है मंशात फरोज से, कितने माल की बात हुई है? अभी हमारी उससे बात हुई है कि हमारे को सामान चाहिए 3 किलो, तो उसने कुछ रेट ज़्यादा बताया हमारे को, तो हमने उसको कहा है कि कुछ कम करो, तो उसने कहा चलो ठीक है मैं देख रहा हूँ अच्छी क्वालिटी वाला, इसलिए रेट कम नहीं हो सकता है, फिर भी थोड़ी देर के बाद आप रब्ता करें। 3 किलो से ज़्यादा क्वांटिटी अभी मंगाएंगे तो लाएगा नहीं लाएगा? हाँ वो लाएगा, लाएगा, लेकिन हमें अगर बड़ा उसका पकड़ना है तो क्या तुम्हें क्या लगता है पीछे कुछ है, बड़ा गोदाम शुदाम होगा? बिल्कुल मैं समझ रहा हूँ कि उसके बाद बड़ा गोदाम होगा पकड़ने के बाद, पकड़ने हाँ पकड़ने के बाद जब देखेंगे। कितने कितने हफ्तों से बात चल रही है हमारा? ऐसे तकरीबन कोई 1-2 हफ्ते हो गए। भरोसा हुआ? हाँ, नहीं शक उसको नहीं होगा। ठीक है, उसको कॉल मिलाओ और आज की डीलिंग बनाओ। हमारे नुमाइंदे की बात इस शख्स से हो रही थी क्योंकि डील पहली दफा हो रही थी, इस वजह से वो मोहतात था। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। भाई क्या हाल है, खैर है? हाँ अल्लाह करे मैं ठीक। आपसे बात की थी सामान के लिए, तो अभी सामान चाहिए हमारे को। सामान अच्छी क्वालिटी का चाहिए? भाई अच्छी क्वालिटी तो ऐसे समझो कि ज़्यादा नहीं है, कम भी है। नहीं नहीं अच्छी वाली चाहिए हमारे को। अच्छी वाली आपको 70,000 में मिल जाएगी भाई। यार 70 से कुछ कम करो ना। अब ऐसे करो, देखो पहले भी आपसे हमने डीलिंग की है, पहले भी आपने सामान दिया था हमारे को, आप ये ऐसे करें कि 3 किलो का 50 तक का कर दें। यार देखो ना, कस्टमर बनाने के लिए कुछ तावन करना पड़ता है। हमारे नुमाइंदे ने इस बात का यकीन दिलाया कि हम इससे आगे भी मंशियात खरीदते रहेंगे। 60 में डन कर लो। चलो ठीक है, मैं ये 65 में डन कर रहे हैं। अभी ये 3 किलो सामान लाना है, मैं जगह बता पे आप आ जाए, मैं भी वहाँ पे आ रहा हूँ, पेमेंट आपको उधर दस्ती कर दूंगा और सामान ले लूँगा आपसे। ठीक है। इनके इस काम का तरीकेकार ये होता है कि ये अपने नुमाइंदों के जरिए इलाके में चलने वाले मंशियात के अड्डों पर मंशियात फरोख करवाते हैं। वक्त तय हो चुका था, अब बारी थी अपने शिकार को दबोचने की। ऐसी सूरत हाल में अक्सर शिकार का निकलना मुमकिन हो जाता है क्योंकि ऐसे लोग जहां पर रहे होते हैं वहां का पहले अच्छी तरह ताकुब करते हैं, और खास तौर पे जब बंदा नया हो। इस वजह से हमें बहुत ही प्लानिंग से काम लेना है। से मूव कर रहे हैं हम लोग उस लोकेशन के लिए जहां की बात हुई भी है, और मैं आपको बता दूं एक्साइज एंड टैक्सेशन नारकोटिक्स डिपार्टमेंट की इस वक्त कार्रवाई होने जा रही है। सखर के इलाके में हम लोग मौजूद हैं और इस वक्त में जो है वो हमारा जो इन्फॉर्मर है उसको हम भेज रहे हैं उस जगह पे जिधर चीत उसने करी है बंदे ने। उधर किस तरह आएगा, कुछ आइडिया है किसके साथ आएगा? वो अकेला ही आएगा। अच्छा, अकेला आएगा और यहाँ तो बैग होगा उसके साथ। हाँ। या उसके जो है इधर लगे हुए। अगर ना
क्योंकि अब जाहिर है वो जो जगह तुम बता रहे हो वो रोड है जी, अब उस पर हम ऐसे मोबाइलें भी नहीं खड़ी कर सकते। नहीं तो तुम ये करना आके तुम दबोच लोगे उसको? मैं कोशिश करूंगा दबोच लेने का। लेना पिस्टल विस्टल ना हो? मैं मैनेज कर लूंगा, पक्की बात, मैं मैनेज इंशाल्लाह ताला कर दूंगा। आपको मैं गाड़ियों का थोड़ा रास्ता बताऊंगा, मोबाइलें जो है ना थोड़ी पीछे रखें। नाज़रीन हम आपको एक दफ़ा बता दें कि एक्साइज एंड टैक्सेशन नारकोटिक्स डिपार्टमेंट इस वक्त मंशात फरोशों के खिलाफ कार्रवाई करने जा रहा है, और जिस बंदे से बात चल रही थी उसके पास जो है इस वक्त 3 kg जो है वो मंशात मौजूद होगी, और फिर आगे देखेंगे आगे फर्दर क्या कार्रवाई होती है। लेकिन फिलहाल इंफॉर्मेशन पर निकल रहे हो पूरा एक्साइज टैक्सेशन एंड नारकोटिक्स डिपार्टमेंट इस वक्त इस कार्रवाई पर मौजूद है। हमने इस जगह को एक्साइज पुलिस के साथ पूरी तरीके से घेर लिया था, गाड़ियों में मौजूद कैमरे से वीडियो बनाई जा रही थी। हमारा नुमाइंदा उस मुकाम पे मौजूद था और काफी देर गुजर चुकी थी। हमें इस बात का डर था कि कहीं हमारी इंफॉर्मेशन लीक ना हो गई हो। एक लम्हे के लिए तो हमें अपना पूरा प्लान खत्म होता नजर आ रहा था। इस वक्त में हमारा इन्फॉर्मर मौजूद है और एक्साइज डिपार्टमेंट ने इस जगह को जो है चारों तरफ घेरा है, लेकिन इस वक्त में वेट हो रहा है उस बंदे का कि वो मंशियात लेकर आएगा, उसको ट्रैप करेंगे। और ये जगह आप देख सकते हैं कि एक चलता हुआ रोड है। लेकिन अचानक मोटरसाइकिल पर एक कम उम्र लड़का हमारे नुमाइंदे के पास आकर रुका। उस वक्त हम सब अलर्ट हो गए। हाँ, यही है, इसने रोका, लेकिन अभी तक इसने माल नहीं निकाला है। लेकिन इस लड़के ने अचानक खतरे को भांप लिया और हमारे नुमाइंदे से हाथ छुड़ा के भागने की कोशिश की। इसी इस्ता में इसकी मोटरसाइकिल जमीन पर गिर गई। मोबाइल निकालो उस तरफ, ये जिगला निकला, इसको पकड़ो। बस फिर क्या था, एक्साइज पुलिस और टीम टारगेट के कैमरे इसकी तरफ दौड़ने लगे। पकड़ा इसका, पकड़ा, पकड़ा इसका। थोड़ी ही देर में यह शख्स कानून की गिरफ्त में आ चुका था। अब इसे चेक किया गया तो इसके पास से मंशियात बरामद हुई। सीधा खड़ा, चेक करो ना, चेक करो, सीधा करो। चेक करें इसको जरा, इसको चेक करें जरा, मतलब आपको चेक करें क्या ही? चेक करें, चर्सी है, चर्स है, चर्स है, बिल्कुल। ये देखें आप, भागे क्यों थे अभी, भागे क्यों थे? ये शक पड़ा कि किसने किसी को बोला इसने। इस वक्त में आपने देखा है कि एक्साइज एंड टैक्सेशन पर वक्त कार्रवाई हुई है, और इसने जैसे ही इसको शक हुआ इसने माल निकाले बगैर ही जो है भागना शुरू किया, लेकिन इसको फौरी तौर पे जो है दबोच लिया गया। और अभी इसके पास से वो जो क्वांटिटी जिसकी टेलीफोन पे डीलिंग हुई थी वो क्वांटिटी बरामद हुई है, और अभी इसको यहाँ से जो है वो अरेस्ट करके लेके जाएंगे। बाकी की सूरत हाल फिर हमारे सामने वहीं जाकर आएगी। ये शख्स कानून की गिरफ्त में आ चुका था, लेकिन हमारे लिए ये जानना ज़रूरी था कि भेजा किसने। इस लड़के की उम्र बहुत ही कम थी जिसे इस मकरू धंधे में डाल दिया गया। वजह कुछ भी हो, गलत काम गलत। जब इस शख्स से इंटरोगेशन की गई तो उसका कहना था कि इसे कुछ पैसे दिए जाते हैं मंशियात एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने के लिए। कहां से लाते हो माल? पिशावर से। पिशावर से तुम लाते हो? नहीं, दूसरा बंदा लाता। दूसरा बंदा लाता है। और तुम्हारा क्या काम होता है? बस मुझे 1,000 रुपये बचते हैं, मैं वो सप्लाई करता हूँ। कहाँ कहाँ सप्लाई करते हो तुम? इधर शहर में सप्लाई करता हूँ, सिंध में। शहर में तुम सप्लाई करते हो जी? इसी तरह जी। इसको देख के क्यों भागे थे उस वक्त? मुझे शक हो गया था। क्या शक हुआ था? कि किसी को इन्फॉर्म किया है उन्होंने। तुम्हारा काम यह है कि तुम सिंध के मुख्तलिफ इलाकों में ऐसे बाइक पे लगा के, तो कोई रोकता नहीं है तुम्हें? नहीं। अच्छा, और कौन कौन है तुम्हारे गैंग में? दो बंदे। दो बंदे वो माल लेकर आते हैं जी, तुम्हारा ये काम जी बस। बाकी वो तुम्हारे दो साथी कहें तुम्हें पता है जी? वो एक जगह पर बैठे हुए।
जगह मालूम है जी। फिलहाल हमारे पास इसकी बात करने के सिवा कोई और चारा ना था। अच्छा, आप क्या समझते हैं साहब, आपका माशाल्लाह बड़ा तजुर्बा भी है, कि इन लोगों ने अपने हाइड आउट बनाए हुए होते हैं और ये वाकई का इसको 1000 रुपये मिलते होंगे? वैसे ये किराए पे काम करते हैं, गरीब लोग जो होते हैं ना, बड़े बड़े स्मगलर जो हैं इनको किराए पे बेचते हैं, फिर ये 10 किलो 15 किलो 20 किलो 5 किलो ये लेके आते हैं शहर में गलियों में, किसी को 1 किलो किसी को 2 किलो देते हैं, फिर वो छोटे छोटे जो हमें छोटे मंशियात करते दिख रहे हैं। तो उस वजह से हमें इनको पकड़ा, अभी इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, इंशाल्लाह जो भी इसमें मुलविस होगा इंशाल्लाह उसको केफर किरदार तक पहुंचे। अच्छा, वो हमें वो मुकाम बताने को तैयार था जहाँ इसके साथी मौजूद थे। बिल्कुल वही जगह दिखाना जहाँ पर हो। हमने एक बार फिर एक्साइज पुलिस के साथ अपनी कमर कस ली। हम इस शख्स के बताए हुए मुकाम की तरफ रवाना हो गए। ये शख्स हमें एक मुकाम पर ले गया। ले आओ, इधर आओ, आ जाओ, और बात सुनो, अगर गलत जगह बताई ना तुमने। चलो, इस जगह छोटे मौजूद थे, इसने हमें एक दरवाजे की तरफ इशारा दिया। एक्साइज पुलिस ने स्क्वार्टर के अंदर धाबा बोल दिया। हटो, चले, जगह चेक करेंगी, जगह चेक करें। अंदर जाने के बाद कहानी ने कुछ और ही रुख ले लिया। इस मुकाम पर दो लोग मौजूद थे जिन्होंने इस शख्स को पहचानने से इनकार कर दिया। कौन है? नहीं जानता इसको। इस मुकाम से हमें ऐसा कुछ ना मिला था जिसके ऊपर इनसे सवाल किए जा सके। वो लोग इस बात में बजित थे कि वो इस शख्स को नहीं जानते। वहाँ मौजूद एक शख्स ने शोर शराबा शुरू कर दिया। इसका कहना था कि आप लोग जाती कर रहे हैं। नहीं जानता हूँ भाई इसको, मैं नहीं जानता हूँ इसको, मैं नहीं जानता हूँ इसको। क्यों नहीं, मेरे को पता नहीं है कौन है ये भाई, मेरे को पता नहीं है कौन ये। क्या काम करते हैं? मजदूरी करते हैं, मजदूरी करते हैं। क्या मजदूरी करते हैं? इधर ही करते हैं और किधर करते हैं? क्या मजदूरी करते हैं? इधर ही करते हैं। मजदूरी क्या की करते हैं? किस की मजदूरी? क्या सरदारी करते हैं, मजदूरी करते हैं, और कौन सी जगह करते हैं? अच्छा, ये काम करते हो, मंशियात नहीं बेचते? कौन मंशियात बेचता है? है कोई सबूत है आपके पास? मंशियात नहीं बेचते? नहीं बेचता है ये बंदा, इसको नहीं जानते, इसको पहचानते नहीं हुए भाई। तुम जानते हो उसको? जानते हो? इसने भेजा, तुम्हारी फोन पे बात नहीं हुई अभी? नहीं हुई है, नहीं हुई है। ये भी कह रहा है सच बोल रहे, झूठ बोल रहे? सच बोल रहे। तुम्हारी फोन पे बात नहीं नहीं हुई है? लेकिन इसका झूठ ज्यादा देर तक नहीं चल सका। जब हमने उस शख्स के टेलीफोन से इस शख्स के नंबर पर कॉल मिलाई तो इस शख्स के मोबाइल नंबर पर इसका नाम डिस्प्ले हो रहा था। तलाशी लो उसकी, तलाशी निकालो, मोबाइल कोड डालो। ओ झूठे आदमी, तुम मुझसे झूठ बोल रहे हो, उसको नहीं जानते। इसका नाम किस बात पे सेव किया हुआ तुमने? इसका नाम सेफ आ रहा है तुम्हारे पास? पता नहीं है भाईजान। कौन है ये? हमारा दोस्त है, मगर ताल्लुकात नहीं है सर। ताल्लुकात नहीं है? नहीं। फोन पे अभी बात नहीं हुई? नहीं हुई है? नहीं हुई। बस फिर बिल्ली थैले से बाहर आ गई। जब एक्साइज पुलिस तरीका अपनाया जो कि ऐसे लोगों के साथ बहुत जरूरी होता है, तो वो हमें इस मुकाम की जानिब ले गया जहाँ पर उन्होंने मंशियात को छुपा रखा था, जिसे सक्कर शहर में चलने वाले छोटे छोटे मंशियात के अड्डों पर सप्लाई करना था। किधर है सामान? और तो सामान नहीं, जो था हमने दिया है? जो था अभी वो गलत हो चुका है, जो था हमने दिया। चेक करवाओ, ये देखें जी, खुफिया खुफिया जगहों से चीजें निकाल लें, निकाले माल, निकाले कड़ो, निकाले बाहर, निकाले। चर्सी है और कहाँ का माल है? यही है। सच बताओ, झूठ नहीं बोला? बिल्कुल यही है जो है। तुम्हारे पास और भी माल है? और कुछ भी नहीं है, जो है यही है। इस जगह को चेक करें जरा सही तरह, इस जगह को चेक करना शुरू करें, और आप सारे ये सर्च चेक करें, सर्च करें पूरी जगह को, सर्च करें। ये जगह एक खंडरात नुमा थी जिसे पूरे तरीके से इस्तेमाल किया जा रहा था। इधर आओ, ये देखे, निकाले। जो झूठ बोल रहे हो तुम, और किधर है माल? इसको लाए, इधर आओ। यहाँ मुख्तलिफ जगहों पर भारी मकदार से मंशियात बरामद हुई। चाची आपको बता दें, एक दफा फिर एक्साइज डिपार्टमेंट ने यहाँ पे कार्रवाई की है और मंशियात जो है यहाँ से बरामद हुई है, और आप देख रहे हैं किस तरह इन्होंने अंदर दबाई भी होती है, और पहले ये बड़ा होशियार बन रहा है, इन्होंने अपने डम्प्स बनाए हुए।
इंटेरोगेशन में बहुत से इंकशाफात हुए और मजीद और इंकशाफात भी हो जाएंगे। मंशियात फरोशों का काम ऐसे लड़कों को इस्तेमाल करना होता है जो खुद इसकी लत में मुब्तला हो। इन्हें मंशियात और चंद पैसों का लालच देकर अपने इस मकरू काम के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये शहर में चलने वाले छोटे छोटे अड्डों पर मंशियात सप्लाई करते हैं और जो इसके मास्टर माइंड होते हैं वो बहुत कम। से बताओ ये माल कहाँ से लाते हो तुम? एक बंदा इधर शेरखान, उनसे उनसे लाते हो जी। तो तुम्हारे पास इतने पैसे कहाँ से आते हैं? कितना माल खरीद तो कब से काम कर रहे हो? अभी थोड़े दिन से काम कर रहे हैं और पैसा वही देता है, हमारे 10-20 हज़ार मिल जाते हैं बस। अच्छा, माल शेरखान का है? जी जी। तुम्हारा काम क्या होता है? बस उसको लेके देना है, बस उसको लेके देना है। बिल्कुल। और ये तुमने लड़के अपने पास रखे हुए? जी जी। इनको तुम पैसे देते हो? जी जी। और कितने अरसे से काम कर रहे हो तुम ये? अभी थोड़ा अरसा हुआ है, महीना खन हुआ। अच्छा, कहाँ कहाँ सप्लाई करते हो और ये माल आता कहाँ से पहले तो ये बताओ, आता कहाँ से? बलिया से बंदा लेके आता है। है? एक बंदा लेके आता है। कहाँ कहाँ लेके आता है? पेशावर से लेके आता है, कहाँ से लेके सप्लाई की है? हाँ, जो जगह बताओ ना जहाँ छोटे छोटे मंशियात के अड्डे। अब जो एक किलो माल लेता है वो अपना अड्डा बना लेता है जी, ये काम करते हैं जी। तुम्हारा क्या भाई, तुम्हारा क्या रोल है? हमारा बस यही रोल मिलता है। अच्छा नाजिन, मैं आपको बात बताऊं कि ये जो माल होता है इसका तरीका कार ये है कि ये पेशावर आगे बेचते हैं या 2 किलो ले लिया या 3 किलो ले लिया, उसके बाद एक छोटा मंशियात का अड्डा बन जाता है जो एक इलाके को सप्लाई शुरू कर देता है। और इसी तरह इनका काम ये होता है कि ये छोटे 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 जो अड्डे बने हुए हैं जो इलाकों में हमें मंशियात के अड्डे नजर आते हैं जहाँ रॉडें बिक्री होती हैं, गर्दा बिक्रा होता है, ये वहाँ से माल आगे सप्लाई करते हैं। पैसों के लिए किसी के बच्चों को मंशियात की लत में डाल दो, लत में लग के मरता है, उससे पूछो ना अपने बच्चे को पिलाओगे? नहीं। तो फिर दूसरों के बच्चों को पिलाते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती? अच्छा, ये अंदाजन कितनी मालियत का होगा माल? कितने ये कम से कम इसकी आलू मंडी में 25 लाख रुपया की आलू मंडी, लेकिन यहाँ पर 1 किलो 20-30 हज़ार का 1 किलो मिल जाता है, 1 किलो मिल जाता है, लेकिन आलमी मंडी में जो इसकी कीमत है वो बहुत ज्यादा है। आप क्या कहते हैं जी, ये मंशियात की लानत तबाह नहीं कर रही है हमारे नस्ल को? ये मंशियात की लानत तबाह कर रही है। आजकल जो असल वो ज़्यादा कर रही है मंशियात को। ये तो हम कहते हैं, पब्लिक को भी कहते हैं, तो किसी भी अगर मोहल्ले में मंशियात हो, कहीं भी कंप्लेन हो, फौरन हमारे से रब्ता करें तो हम फौरन कार्रवाई करें। मंशियात वो लानत है जिसे ख़त्म करना हम सबका फ़र्ज़ है और बड़ी बात है। एक्साइज डिपार्टमेंट की भी यहाँ सलाम पेश करूँगा उनके जवानों को कि जिस तरह ये लोग काम कर रहे हैं, कम वसाइल में एक अच्छा काम कर रहे हैं और अपनी जान को ख़तरे में डाल के कर रहे हैं। और इस मंशियात की लानत को हम सबको ही ख़त्म करना है। नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ डायरेक्टर एक्साइज एंड टैक्स सखर के मौजूद हैं डॉक्टर मुनीर अहमजरदारी साहब। अजराई साहब, अभी एक कार्रवाई हुई आपके डिपार्टमेंट के साथ, हमने करी बड़ी जबरदस्त कार्रवाई थी, उसमें मंशियात भी हमारे साहब, आप क्या समझते हैं कि ये मंशियात की जो लानत है ये हमारे माशरे में इतनी ज़्यादा क्यों फैलती जा रही है? पूरे माशरे की जिम्मेवारी है कि हम इस पर काम करें और ताकि बेहतरी आए। अच्छा, जो हमने अभी कार्रवाई करी उसमें मुलजमान जो पकड़े गए और उनके पास से क्वांटिटी बरामद हुई 10 किलो और ये लोग एक एक 2-2 किलो करके जो हैं वो डिफरेंट जगहों पे सप्लाई करते थे, तो ये वो लोग हैं जो छोटे छोटे अड्डे हमें जगह जगह नज़र आ रहे होते हैं उनको सप्लाई कर रहे होते हैं? हाँ, ये यहाँ से ये पेडलर्स होते हैं, वो अड्डों पर वो ले जाते हैं वहाँ से, और ये छोटे छोटे शहर के मुख्तलिफ सप्लाई करते हैं। अच्छा सर, ये एक बड़ा होता है लोगों को कि उनके अंदर एक खौफ होता है कि अगर हम कोई कंप्लेन करेंगे तो हमारा नाम लीक आउट हो जाएगा, तो आपके पास यहाँ पे कोई ऐसा डिपार्टमेंट है जहाँ पे शिकायत की जा सके और उनका नाम से गैर हाजिर? हाँ बिल्कुल, हमारे जो है एक्साइज विंग, उसमें वो कंप्लेंट कर सकते हैं। एक तो आप लोग ज़ाहिर है रोडों से आने वाली इसको चेक करते हैं जो बॉर्डर के थ्रू आ रही होती है, यहाँ से गुजर रहे होते हैं बाईपास से, होता है जो इलाकों के अंदर छोटे छोटे अड्डे खुले हुए होते हैं जिसमें लड़के हाथों में लिए बेच रहे होते हैं, इस पर भी एक्साइज डिपार्टमेंट एक्टिव रहती है? ये बुराई तो साथ साथ चलती है, लेकिन कोशिश ये है कि मिनिमाइज करें, कम से कम जो है वो इसको करब करें। अगर मैं तो एक्साइज डिपार्टमेंट के पास वसाइल कम है, आपकी फोर्स कम होती है, लॉकअप्स का थोड़ा मसला है, तो सर इतने महदूद वसाइल में फिर काम किस तरह करते हैं? ये बिल्कुल दुरुस्त है, वसाइल इतने नहीं है जितने होने चाहिए, फिर भी हम उन्हीं वसाइल के रहते हुए कोशिश करते हैं कि
बेहतर काम हो। कोई आवाम को मैसेज देना चाहेंगे सर आप मंशियात के हवाले से, इस्लामत के हवाले से कोई पैगाम देना चाहेंगे आप? मेरी यही गुजारिश होगी कि अवेयरनेस हो, लोग आगे आएँ, ज़्यादा से ज़्यादा लोग आगे आएँ मुआशरे में, इस बुराई से जो है मुकम्मल हम खात्मा इस बुराई का हो सके। बहुत शुक्रिया। जी नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं डीजी एक्साइज एंड टैक्सेशन शुएब सिद्दीकी साहब, इनसे हम बात करेंगे इस पूरे कार्रवाई के हवाले से। शुएब साहब, एक बड़ी कार्रवाई देखने में आती है सक्खर शहर में जहाँ पर काम हो रहा था। सर मैं ये जानना चाहूँगा कि वैसे तो एक्साइज डिपार्टमेंट पूरे सिंध में ही काम कर रहा है, लेकिन वो कौन से शहर हैं जहाँ पर ज़्यादा एक्टिव काम होते नज़र आ रहे हैं? बहुत शुक्रिया शरीफ, आपने मुझे इन्वाइट किया प्रोग्राम में। अपने हमारे यहाँ आपने जैसे खुद कहा कि पूरे सिंध में ही कार्रवाइयाँ होती हैं, लेकिन ये जो बॉर्डर एरियाज़ हैं ख़ास तौर पर, इसमें कश्मीर की हमारी चेक पोस्ट है, वहाँ हमने बड़े अच्छे केसेस करते हैं। चेक पोस्ट है, फिर उबाड़ो चेक पोस्ट जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट है हमारी, वो बड़े मेजर केसेस अगर आप देखेंगे उठा के पिछले 3-4 सालों में तो इन चेक पोस्टों पे होते हैं, बॉर्डर एरियाज़ हैं। और पंजाब में शायद इतना स्ट्रेंथन नहीं है अभी उनका एक्साइज का, जो अब वो कर रहे हैं उसको, तो उसकी वजह से हम वहाँ बहुत मोहतात रहते हैं, और जो भी बड़े केसेस होंगे आप देखेंगे तो इन चेक पोस्टों पर होते हैं। सर क्योंकि वैसे आपके पास, क्योंकि पूरा एक्साइज डिपार्टमेंट है, इसमें बहुत सारे आते हैं, मोटर व्हीकल आता है, प्रॉपर्टी टैक्स आते हैं और डिफरेंट आते हैं, बट नार्कोटिक्स पर अगर हम बात करें तो ये एक बड़ा सेंसिटिव मामला होता है, तो जो आपकी टीम मेंबर्स होते हैं उनका ख्याल रखा जाता है? हाँ, सिक्योरिटी दी जाती है, थोड़ी सी नफरी की कमी है यकीनन, क्योंकि जैसे आपने खुद कहा हमारे 2 मेजर फंक्शन है, एक तो हम रेवेन्यू कलेक्ट करते हैं प्रोविंशियल गवर्नमेंट के लिए, और दूसरा हमारा रोल है नार्कोटिक्स को कर्व करने के हवाले से, इसमें बड़ा अच्छा काम हो रहा है और बड़े मेजर केसेस हम करते रहे हैं। दूसरी एजेंसीज के मुकाबले में अगर आप देखेंगे तो बहुत अच्छा रेशो है, तो नफरी की कमी है, कुछ थोड़ी सी सहूलतों की जरूर कमी है, उस पर काम कर रही है गवर्नमेंट। सर अगर हम मंशियात की बात करें तो मंशियात इस वक्त नौजवान नस्ल को तबाह कर रही है, सर किस तरह हम अपने यंगस्टर्स के जहन में ये चीज डाल सकते हैं कि ये कोई फैशन नहीं है, ये पूरी जिंदगी तबाह करने वाली चीज है? देखिए, सबसे बड़ा अच्छा अगर कोई मीडियम हो सकता है तो वो आप हैं मीडिया। जितना माशाल्लाह मीडिया का इस वक्त हमारे माशरे में रोल है, हर मामले में आप प्रॉब्लम्स भी उजागर करते हैं, ऑप्शन के हवाले से भी लोगों को अवेयर करते हैं, तो मीडिया इस सिलसिले में एक मतलब बहुत बड़ा किरदार अदा कर सकता है। दूसरा, उस करिकुलम में ऐसी चीज़ें होनी चाहिए जो बच्चों को अवेयर करें मंशियात के हैज़र्ड्स के खिलाफ शुरू से ही, ताकि उसको पता होना चाहिए। सब मिल के काम करेंगे, ये किसी एक इदारे के करने का काम नहीं है, तो पुलिस या एक्साइज करे और माशरे से ख़त्म हो जाएगा, नहीं होगा। सर थोड़ा सा हमें ये भी प्रोसीजर बताएगा कि जो एक्साइज डिपार्टमेंट जो भी नार्कोटिक डीलर होता है उसको पकड़ता है, तो आप लोगों की तरफ से FIR होती है, प्रोसेस क्या होता है? नहीं, हम खुद करते हैं, हम एम्पावर्ड हैं, हमारे आपने देखा है अभी जो माशाल्लाह केस आपकी उसी में हुआ है, आपने सारा देखा है, वो हमारे अपने थाने बने हुए हैं और हमारे को इख्तियार हासिल है, केस खुद रजिस्टर करते हैं CNS एक्ट के तहत, वो केस रजिस्टर करता है हमारा अफसर और फिर कोर्ट में चालान पेश करता है। जब पिछले अगर हम 6 महीने में चले आए तो सर कितनी अंदाजन नार्कोटिक्स आप लोगों ने कवर की हो? इसमें मैं ये बताऊं कि हम एवरेज देखेंगे तो सालाना तकरीबन कोई 300-350 केसेज हम हर साल रजिस्टर करते हैं नार्कोटिक्स के पूरे सिंध में। उसमें लास्ट ईयर कोई 3,000 kg से ज़्यादा हमने चरस पकड़ी थी, और इसी तरीके से कोई 40 kg हेरोइन थी, फिर उसके अलावा दूसरे जो मंशियात होती है, ओपियम होती है, भंग है, इलिसिट लिकर होती है, फॉरेन लिकर है, एक फॉरेन लिकर का भी एक बड़े पिछले दिनों एक अच्छा केस हुआ था, चाइनीज आपको याद है, आपने देखा था चाइनीज लिकर। तो ये इस तरह से छोटे बड़े केसेस मिला के तकरीबन को एवरेज जो है सालाना हमारा समझ लीजिए 300-350 केसेस बनते हैं। सर नौजवान नस्ल को, देखने वालों को मैसेज देना चाहेंगे आप? मैसेज यही है कि जी हेल्दी रहें, खुश रहें और मंशियात से दूर रहें, खास तौर पर नौजवानों के लिए। और हुकूमत से भी गुजारिश करूंगा कि बहुत अच्छा काम कर रही है इस वक्त एक्साइज एंड टैक्सेशन नार्कोटिक्स डिपार्टमेंट, तो जो तवज्जो देने की ज़रूरत है वो दरख्वास्त करूँगा कि आप तवज्जो दें और इस डिपार्टमेंट को और जो है मजबूत करें। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। मंशियात के खिलाफ जंग हम सब की जिम्मेदारी है, ये किसी एक का मसला नहीं है। अगर किसी के बच्चे को मंशियात की लत में मुब्तला देखते हैं तो हमें यह सोचना चाहिए कि आज इसका है तो कल हमारा हो सकता है। इस मुल्क का हर बच्चा अहम है, इन नौजवानों को इस मुल्क का मैमार बनना है, तो इन सब के बारे में सोचना है हम सब। प्रोग्राम के आखिर में शुक्रिया अदा करूंगा DG एक्साइज एंड टैक्सेशन नार्कोटिक्स डिपार्टमेंट शुएब सिद्दीकी साहब का, उन्होंने इस पूरे प्रोग्राम में हमें सपोर्ट किया।
अगर आपके इर्द गिर्द कोई भी गैर कानूनी काम हो रहा है या फिर आप टारगेट की टीम का हिस्सा बनना चाहते हैं, हमें ईमेल कीजिए। हमारा ईमेल एड्रेस इस वक्त स्क्रीन पे आ रहा होगा। आप हमें फेसबुक पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। अगले हफ्ते फिर हाजिर होंगे टारगेट के किसी नए प्रोग्राम के साथ। तब तक के लिए अपने मेजबान शायरी को जा दीजिए। अल्लाह ने के बाद।